मेरे साथ गगनेश प्रभाकर जी, शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और प्रभाकर गार्डन एंड नर्सरी के मालिक हैं। हमेशा से ही पिछले 25 साल से ये जहां अपने पिताजी की याद में पौधे लोगों को गिफ्ट करते रहे हैं, वही आज इनके माताजी के पास जितनी भी सेविंग है उन्होंने इनको दी कि जाओ बेटा लोगों को मदद करो। तो आज एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो आइए चलते हैं प्रभाकर साहब के गार्डन और नर्सरी में। अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ। अब अगला ऐसे एक एक बंदा आगे आएगा, एक एक करके आइए बस। हमारे साथ है गगनेश प्रभाकर। तो आज यहाँ पर इनके माताजी की सेविंग्स में से इनके माताजी के द्वारा ही 100 से ज्यादा लोगों को आज राशन भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको यहाँ लंगर भी छकाया जा रहा है। और लुधियाना की गणमान्य शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं हैबोवाल प्रभाकर नर्सरी में। और आज मुख्य मेहमान के तौर पर पधारे हैं SHO हैबोवाल इंस्पेक्टर मोहनलाल जी और साथ में काउंसलर राशि अग्रवाल जी। इंस्पेक्टर साहब, आज कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेवा कार्य हैबोवाल में ही हो रहे हैं आपकी देख रेख में? हाँ जी, ये प्रभाकर साहब जिहड़े है अपने इलाके च इन्हां दी नर्सरी है जी, हमारे इलाके में इनकी नर्सरी है। इन्होंने अपनी माता जी के सेविंग अकाउंट से 100 लोगों को जो है ड्राई राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है और सभी के लिए लंगर की सेवा निभाई है। तो हमें इन्होंने मौका दिया है यहाँ पर आने का, हम यहाँ आए हैं और इनकी जिहड़ी है हौसलाबाजी करते हैं। बहुत बढ़िया। और राशि जी, आप प्लांटेशन भी बहुत करते हैं, लोगों की मदद भी बहुत करते हैं, और आज गगनेश के इस उत्सव में आकर कैसा लग रहा है? वंदे मातरम, जय हिंद। वार्ड नंबर 81 की इस प्रभाकर नर्सरी से आज यहाँ मैं जो मुझे पता लगा, इन्होंने अपनी माता जी की सेविंग से आज यहाँ पर जो मेरे अनुरोध पर, क्योंकि मेरे इलाके में 40 बेड़े हैं और राशन जो समय हम सभी के सामने एक विकट समस्या हम सभी के समक्ष है, जिस युद्ध में हम सभी डटे हुए हैं अपने अपने घरों में, मेरे हृदय में आज जैसा आपने बताया कि माता जी की ये आज उनकी प्रेरणा से आपने मेरे अनुरोध को उसका मान रखते हुए जिस प्रकार आपने, आप यहाँ पर 2 बेड़े के मालिक हैं और इस नर्सरी में जितने भी श्रमिक आपके भीतर काम करते हैं, आपने उन सभी को महीने भर का राशन देने के लिए ये जो आपने आज कदम उठाया है न केवल सराहनीय है, वरन मैं कहूंगी ये बाकी बेड़े वालों के लिए भी ये अनुकरणीय है, उदाहरणार्थ है। थैंक यू राशि जी। और गगनेश जी, आप 25 सालों से पौधे तो बांट ही रहे हो लोगों को और आज ये एक कदम बहुत अच्छा जो उठाया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सुखविंदर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि हम पहले भी ये काफी, मेरे माताजी, हमारा घर जहाँ पे प्रभाकर मोहल्ला में लक्ष्मी सिनेमा के सामने हम रहते हैं, वहां से भी माताजी ने बहुत लोगों को ऐसे थैले बना बना के बांटे हैं, पर वो हमने कभी भी किसी सोशल मीडिया पे नहीं डाला, क्योंकि माताजी की ये इच्छा थी कि जब कोई दान करो तो वो बंद मुट्ठी करना चाहिए। पर आज हम ये जो कार्य कर रहे हैं, ये राशि जी का मुझे फोन आया कि ऐसे भैया बात ये है कि हमारा एरिया बहुत बड़ा है, अब आप लोगों को कमान संभालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपसे शुरू कराना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जितनी आपके यहाँ पे श्रमिक रहते हैं, 100 के करीब लोग हैं जो आसपास वाले, इनसे आप शुरू कीजिए, आप उनको पूरे महीने का राशन दीजिए, ताकि ये, इसलिए हम लोग आज इसको सोशल मीडिया पे या लाइव पे या आपके चैनल के थ्रू ये कर रहे हैं कि राशि जी की आवाज ये जाए कि इस इलाके में या हमारे शहर में या पंजाब में और भी जितने लोग जिनके पास श्रमिक कोई किराए पे रहता है या कोई काम करता है, ये उनसे हाथ बांध के जोड़ के बेनती है कि वो सारी उम्र हमने इन्हीं लोगों से कमाते हैं, यही लोग मेहनत करते हैं और हम लोग अपने मालक की कुर्सी पे बैठ के उसका आनंद लेते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी कमाई में से, हमारे पास जो भी सेविंग है उसमें से हम इन लोगों को, इनकी सेवा करें, इनको राशन दें। और हम ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि हम किसी को यहाँ पे दिखाएं कि हम उनको दे रहे हैं, ऐसा हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरों को प्रेरणा देने के लिए है कि आज जो मेरे माता जी ने अपनी सेविंग में से 100 लोगों के लिए राशन दिया है, उससे ये बाकी माओं को भी, ये अपनी संतानों को प्रेरणा देनी चाहिए कि आप बढ़ चढ़ कर जाओ और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राशन दो, ताकि हमारे पंजाब का नाम ऊपर हो। जब ये दूसरे प्रदेशों में जाएं तो जाके ये बताएं कि जब यहाँ पे कभी कोई दुख तकलीफ आती है तो पंजाबी जो है वो खड़े हो जाते हैं हमें भाई की तरह, ना कि ये हमारे पास काम करते हैं, आज ये हमारे परिवार के मेंबर हैं, एक परिवार के मेंबर की तरह ये हमारे साथ खड़े हैं, दवाइयां भी देते हैं, दवाइयां भी बांट के आए हैं, अभी सुबह भी आज दी हैं DMC से लेकर, काफी अपने पैसों से खरीदी और तकरीबन 150 आदमी को दवाइयां जितनी जरूरत थी वो देके आए हैं। और ये चीजें बताने की जरूरत ये है कि इस प्रेरणा से सब लोग आगे आए, और जब जैसे हमारी पंजाब सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है, जैसे हमारे SHO साहब खड़े हैं,
पुलिस की जो छवि है आज एक नंबर पे पूरे समाज में आई है। जो काम आज पुलिस कर रही है मेरे हिसाब से बाकी कोई महकमे वाला, मैं ये नहीं कहता कि बाकी नहीं कर रहे, पर जैसे ये दिन रात कर रहे हैं सबको अंदर सख्ती से करते हैं और सेवा की इतनी कर रहे हैं, और हमारे काउंसलर हमारे एमएलए सारे जितनी सेवा कर रहे हैं, बनवारी जी साथ में खड़े हैं और जितनी भी टीम यहाँ पे खड़ी है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप ये आवाज दीजिए कि हम इसको झंडे को झुकने ना दें और हर महीने ऐसे जब तक ये प्रॉब्लम चले हम सबकी सेवा करते रहे। आज मुझे बड़ा ही फख्र महसूस हो रहा है यहाँ प्रभाकर नर्सरी में आकर, जहाँ पर गगनेश प्रभाकर जी के माता जी के द्वारा जो उनकी पर्सनल सेविंग्स थी वो इकट्ठी करके उसमें से ये 100 बंदों को राशन और 100 बंदों को खाना दिया गया। और हैबोवाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ के SHO साहब इंस्पेक्टर मोहनलाल जी और इनकी पूरी टीम, जिस दिन से नॉकडाउन हुआ है मैं यही देख रहा हूँ कि जहाँ ये लोगों को अंदर रहने की हिदायतें दे रहे हैं वहीं ये सारा दिन भागे रहते हैं कि यहाँ राशन पहुँचा दो, यहाँ राशन बांट दो, यहाँ खाना बांट दो, इतनी ज़्यादा सेवा करते जा रहे हैं। मुझे तो कई बार ये महसूस होने लगता है कि इन दिनों पुलिस का काम, पुलिस के साथ साथ एक संत की तरह भी पुलिस करने लगी है कि इतना धर्म कर्म, इतना पुण्य। वाकई लगता है कि लुधियाना में लुधियाना की समाजसेवी संस्थाएं, गगनेश प्रभाकर जी जैसे लोग और इंस्पेक्टर मोहनलाल जी और उनकी पूरी टीम और लुधियाना पुलिस प्रशासन जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रही है, शायद यही कारण है कि अब तक लुधियाना बहुत बचा हुआ है। भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि लुधियाना बचा रहे और पूरे विश्व में ये बीमारी जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। भाई हो गया किसी चीज होता है तो ले आ उसको। और देवा हाँ तो
लेकिन यहाँ होकर के भाई हो गया। किसी चीज़ों में जुड़वा होता है तो ओए ले आ उसको। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना ये आनंद वाला दृश्य था। 100 लोगों को राशन दिया गया महीने का और 100 लोगों को ही खाना दिया गया। गगनेश प्रभाकर जी, वाकई जो इंसानियत के लिए आपने आज काम किया है, आपको सलाम है और माता जी को प्रणाम है जिन्होंने अपनी सेविंग जितनी भी इकट्ठी की हुई थी वो आपको देखकर कहा कि जाकर लोगों को ये भोजन देने में और राशन देने में आप लगा दो। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बता दें कि जब भी हम ऐसी वीडियो शेयर करते हैं उसका यह मतलब नहीं होता कभी भी कि हाँ किसी एक की जय जयकार करनी है। मतलब ये होता है कि अगर आज गगनेश प्रभाकर और उनके माताजी के मन में इतनी बढ़िया सोच है तो आप लोगों के मन में क्यों नहीं। अपने आसपास पहचानिए, जो लोग वाकई नीडी हैं उनकी मदद कीजिए और मिल बांट के हम इस मुसीबत से बच सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे और इसको खत्म कर सकेंगे। फिर मिलते हैं कैमरामैन नवल कुमार के साथ, सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना।